नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। इस समय देश में साइबर क्राइम एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। आए दिन कोई ना कोई इसकी चपेट में आ ही जाता है। स्कैमर्स आए दिन किसी ना किसी तरकीब और टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को अपने झांसे में ले ही लेते हैं। इस अपराध के जाल में तेज तर्रार और पढ़े लिखे लोग भी फंस जाते हैं। ऐसा ही एक वाक्य कर्नाटक के बेंगलुरु का है। साइबर क्राइम की इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। खबर के मुताबिक साइबर जालसाजों ने मुंबई पुलिस की आड़ में एक महिला को धमकी देकर उसके खाते से 14 लाख रुपए ट्रांसफर कर लिए। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब साइबर ठगों ने महिला को अश्लील वीडियो कॉल कर कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया। दरअसल ठगों ने इस बार वकील को ही अपना निशाना बना डाला। बेंगलुरु की एक वकील को न केवल 14 लाख रुपए की चपत लगी, बल्कि नारकोटिक्स टेस्ट के नाम पर उसके कपड़े उतरवाकर वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद उस महिला के न्यूड वीडियो वायरल करने की धमकी देकर और 10 लाख वसूलने की कोशिश की गई, जिसके बाद पीड़िता ने आखिरकार हार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। दरअसल स्कैमर्स ने मुंबई साइबर क्राइम टीम और सीबीआई से होने का दावा करके 29 साल की महिला को कॉल किया और उसके बाद लगभग 2 दिनों तक उसे ऑडियो और वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाकर रखा गया। पेशे में वकील पीड़िता महिला ने बताया कि कुछ जालसाजों ने 3 अप्रैल को फेडेक्स कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बनाकर उन्हें कॉल किया। फोन पर महिला से कहा कि उसके नाम पर मुंबई से थाईलैंड भेजे गए पार्सल में 5 पासपोर्ट, 3 क्रेडिट कार्ड और 140 प्रतिबंधित दवा एमडीएम है और पार्सल को रोका गया है क्योंकि वे इल्लीगल है। इसके बाद महिला को वीडियो कॉल करने के लिए कहा गया और स्कैमर्स ने महिला को फंसाने के लिए मुंबई में साइबर क्राइम पुलिस टीम को कॉल ट्रांसफर करने की धमकी दी। महिला को वीडियो कॉल किया गया और ठगों ने महिला से नारकोटिक्स परीक्षण के लिए कपड़े उतारने के लिए कहा। इस घटना के बाद स्कैमर्स ने महिला को ब्लैकमेल करने लगे और स्कैमर्स ने महिला से कहा कि अगर वो 14 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं करती है तो वे वीडियो को ऑनलाइन साइट पर अपलोड कर देंगे। इस धमकी के बाद घबराकर महिला ने 15 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पीड़िता ने एफआईआर में कहा, उन्होंने मुझे धमकाया कि मैं और मेरा परिवार ड्रग्स मामले में शामिल है और अगर मैंने उनके कहने के मुताबिक नहीं किया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार डालेंगे। पीड़िता के वकील ने कहा कि उस व्यक्ति ने उसे दोबारा ब्लैकमेल किया और कहा कि अगर उसने 10 लाख रुपए और नहीं दिए तो वो उसके वीडियो को कई लोगों और डार्क वेब पर बेच देगा। अब पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझाते हुए जांच तेज कर दी है। अब देखना होगा स्कैमर्स का ये गुट कब पकड़ा जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कॉमेंट में लिख सकते हैं। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।